पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बेवक्त की रागनी है। जी हाँ, आपको बताएं वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बेवक्त की रागनी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा यासीन मलिक से। जी यासीन, बताएगा मजीद क्या कहा गया वजीर अला पंजाब की जानिब से इस ट्वीट में? उस्मान बुज़दार ने कहा है, अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बेवक्त की रागनी है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ जाती मफादात की खातर चेयरमैन सेनेट संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई है और 22 करोड़ अवाम जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जमहूरी और पार्लियामानी रवायात के मुताबिक अवाम की कार्रवाई चलाई है। अपोजिशन का हथकंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासीन मलिक।